नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में एक नौजवान ने अपनी पत्नी का किया कत्ल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने मेले में सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 पिस्तौल सहित कई लाइसेंसी हथियार किए जब्त। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने थाना डिवीजन नंबर 5 के क्षेत्र में एक सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम का किया आयोजन। लोगों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए किया प्रेरित। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के जज नगर की गली नंबर 1 में एक नौजवान धर अपनी ही पत्नी का कत्ल कर देने का मामला सामने आया है। तो वहीं पड़ोसियों ने बताया कि उक्त परिवार में किसी भी तरह की कोई बातचीत या लड़ाई झगड़ा नहीं था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसीपी गुरविंदर वीर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक नौजवान द्वारा तेजधार हथियार से वार कर अपनी पत्नी का कत्ल किया गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर उक्त नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मृतक महिला की पहचान विक्रमजीत कौर के रूप में हुई है, जो कि एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम करती थी। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका के पारिवारिक सदस्य मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच की जा रही है। वह जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसरा की रिपोर्ट। नहीं, वो तो सानू पता लगा है भी कहन डे आ भी इस तरह उन्हां दी वोटी नूं उहदे हस्बैंड ने ही भी मारिया है, ते बाकी सानू नहीं किसे गल दा पता। अहीं वी आ गए, अहीं ते अंदर तक वेख्या तक वी नहीं। अजे पहलां वी कोई झगड़ा झुगड़ा नहीं होंदा? अहीं नहीं कदी वी सुनिया झगड़ा झुगड़ा। तुसीं गया ना पहलां वी इन्हां कत्ल कीता बेटे? नहीं नहीं, उन्हां ओह इन्हां दा बेटा इन्हें फा लिया सी, ओह वी व्याहिया सी। ओह उन्हां दी वाइफ ते चली गई, ओह नहीं इत्थे रहिंदी। हांजी हांजी, ना ना ना, ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਊ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ, ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਰ? ਆਂਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਹੀ ਸੀ ਹਨਾ? ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਵਕੀਲ? ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁੜਾ ਹੈ ਵਕੀਲ? ਨਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਥਿਆਰ? ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਅਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਅਰਾਊਂਡ 35 ਤੋਂ 40। ਸਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਉਹ ਕੋ ਟੀਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਰ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਜਲੰਧਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਤਾਰਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੇ ਇੱਕ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਛਿੰਝ ਪਿੰਡੇ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਨੇ ਔਰ ਹਵਾ ਮੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਆਰੋਪ ਮੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਓਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਮੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਓਂ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ खाली रख, हरजोत सिंह निवासी पतारा के रूप में हुई, जिनके कब्जे से .315 बोर की राइफल, .32 बोर की रिवॉल्वर और एक एयर गन सहित कई लाइसेंसी हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा 4 अन्य संदिग्ध अमनदीप सिंह और फमना, हरजोत सिंह, अकालजोत सिंह और राजवीर सिंह की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि आरोपियों ने लाइसेंसिंग हथियारों और एयरगन का इस्तेमाल करते हुए हवा में 2 राउंड फायर किए, जैसे उपस्थित लोगों में दहशत फैल गई। आरंभिक जांच से पता चला है कि ये घटना आपसी रंजिश के कारण हुई है, जिसमें आरोपी कथित तौर पर मेला आयोजकों द्वारा दूसरे समूह को
समर्थन दिए जाने से नाराज़ थे। पुलिस द्वारा समय पर हस्तक्षेप किए जाने से लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। पुलिस ने अभियान के दौरान कई धारदार हथियार भी बरामद किए। इसके अलावा एक वाहन भी जब्त किया गया। आरोपियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कल पिंड कंगनीवाल सिंध मेले दौरान हुई घटना के संबंध में अटैम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा थाना पतारा दर्ज कर लिया गया है, जिस विच दो दोषी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हां पासों घटना में वरते गए हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इत्थे मैं दसना चाहुंदा हां कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी हथियार की प्रदर्शनी करता है, गलत इस्तेमाल करता है जां अपना हथियार किसी होर नूं फड़ाउंदा है, तां उहदे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लिआंदी जा रही है। परियोजना सहयोग को और गति देते हुए जालंधर के सीपी स्वपन शर्मा ने लोगों को प्रेरित करने और लोगों और पुलिस के बीच संबंध बनाने के लिए पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 5 क्षेत्र में एक सार्वजनिक आउटरीच का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न कल्याण संघ, फैक्ट्री मालिक, एनजीओ प्रतिनिधि, सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी व नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय शहर में सीसीटीवी कवरेज और लोगों को अपने आसपास अधिक कैमरे लगाने के लिए प्रेरित करना था। लोगों के साथ लाइव उदाहरणों और डाटा शेयरिंग के माध्यम से चर्चा की गई ताकि वे सीसीटीवी कवरेज के महत्व को समझे। कमिश्नरेट पुलिस ने इस कार्यक्रम के तहत अगले एक महीने में शहर भर में लगभग 1500 कैमरे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। उल्लेखनीय है कि ICCC में लोगों के सहयोग से बाजार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, बैंक आदि विभिन्न स्थानों पर लगभग 6000 कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? सहयोग अच्छा मिल रहा है और सीसीटीवी कैमरा जिहड़े हैं वो मोटिवेट किया जा रहा है। एसोसिएशन रेजिडेंट एसोसिएशन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, जिन्हें जिन्हें सीसीटीवी कैमरा तुम लाओ उन्ना थोड़ी भी सेफ्टी है, साड़ी भी सेफ्टी, पुलिस को भी का फायदा होना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ती है और बेसिक प्रॉब्लम्स सुन रहे हैं लोगों ने क्या समस्याएं बताई? बेसिक लोगों की प्रॉब्लम्स तीन ही होंगी थी, स्ट्रीट क्राइम भी होंगी है, कितने कितने नशे भी होंगे, ट्रैफिक भी और जिते जिते भी जो 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 प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं कोशिश करने की अपन दूर करें। सीसीटीवी कैमरे को भी देखकर बातचीत हुई है, क्या कहना चाहते हैं? सीसीटीवी का ये है कि 6000 कैमराज पहले हैं हमारे पास शहर में डॉक्यूमेंटेड है, 1000 के करीब जो है वो आई ट्रिपल सी के हैं, बाकी प्राइवेट हैं। हम अगले एक हफ्ते में इसको 1500 तक ऐड और करेंगे। ट्रैफिक की समस्या को भी लेकर लोगों ने बातचीत की है? जी देखिए उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स बताएं कि जहाँ जहाँ पर जाम लगता है वो हमारे नोटिस में भी है, बट जो चीज़ पब्लिक को इफेक्ट करती है उसमें हम ज़्यादा सख्त एक्शन। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि पुलिस आपके साथ 24/7 खड़ी है और सहयोग। पंजाब में नए चुने सरपंचों को शपथ दिलाने के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह लुधियाना में करवाया जा रहा है, जिसमें 19 जिलों के 10,031 सरपंच शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण समागम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विशेष रूप से शामिल होंगे, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह इच्छू, अमृतसर के चंडियाला गुरु के धीनाते गाँवों से जीते हुए सरपंचों को स्वागत लेकर लुधियाना के लिए रवाना हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ईटीओ ने कहा कि मान सरकार का ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि सभी सरपंचों को एक साथ शपथ दिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है। वही उन्होंने कहा कि पंजाब में काफ़ी गांवों में सर्वसम्मति से चुनाव हुए और जो सरपंचों के चुनाव हुए हैं वे बहुत ही अमन शांति के साथ हुए हैं। वे सभी विजेता सरपंचों को बधाई देते हैं। अमृतसर से हलचल के सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत एक महान दिन है कि पिछले दिन जड़ियां साड़ियां सरपंची दियां ते पंचां दियां चोणां होईयां सीगियां, उन्हां दे विच जिहड़े भी सरपंच ते पंच साहिबान जेतू होए सीगे उन्हां नूं बहुत बहुत बधाईयां। बड़े अमन अमान दे नाल पंजाब दे विच चोणां नेपरे चाढ़ियां ने
ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਬੜੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਗਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਸਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓਂ ਕੋ DAP ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਾਂਵ ਧਾਰਨ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀ ਤੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ DAP ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਂ ਔਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਫਸਲੇ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਲੀਏ DAP ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਯੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਡਾਲੀ ਜਾਤੀ ਤੋ ਇਸਕੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਆਈਏ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓਂ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਖਾਦ ਜੀ, ਡਾਈ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਈ ਖਾਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਡਾਈ ਖਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਝਾੜ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈ ਖਾਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਾਰੀ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਡਾਈ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ 1350 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ 500-700 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ DAP ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। DAP ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਡਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? DAP ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਮਕਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਪੱਠਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ DAP ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋ ਵੀ 90-95% ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ DAP ਚਾਹੀਦੀ ਆ। DAP ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ 1350 ਰੁਪਈਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਕਾਹਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। केंद्र सरकार समय समय पर भारत में रहने वाले हरेक नागरिक, चाहे वो बच्चा, बुजुर्ग या फिर जवान हो, सबके लिए कोई ना कोई स्कीम निकालते रहते हैं, जिससे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट ना पैदा हो। अब की केंद्र सरकार ने 70 वर्ष पार कर चुके व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत इस उम्र में आकर अगर वो अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं तो उसको इलाज करवाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी के तहत आज जालंधर भाजपा की आईटी सेल की अध्यक्ष दीपाली बागड़िया तथा उनकी टीम द्वारा सोडर में एक विशेष कैंप लगाया गया। यहाँ इलाके में रहने वाले बुजुर्गों की आयुष्मान कार्ड बनाए गए। कैंप में आए लोगों ने केंद्र सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हमेशा ही जनता की हितैषी है। इस अवसर पर उनके साथ अनिल शर्मा, सह संयोजक मंडल प्रधान राजेश मल्होत्रा, जग्गी तथा अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी वालों, केंद्र सरकार वालों लगातार कोई ना कोई स्कीम मोदी जी वालों दी जा रही है। एक बड़ा वड्डा तोहफा मोदी जी ने सीनियर सिटीजन दिता है। 70+ आयुष्मान कार्ड हर एक नागरिक का बनेगा। ये कोई कास्ट इशू नहीं है। तुसी 70+ हैगे हो, तुहाडा 5 लाख का इलाज किसी भी हॉस्पिटल जाके तुसी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों कैंप लगाए जा रहे हैं। अज भी असी सोडल दे विच जग्गी जी दे घर असी कैंप लगाया। बहुत लोगों जो उत्साह हैगा। मैं सब नूं बेनती करना चाहनी हाँ कि 70+ आयुष्मान कार्ड बना के इस लाभ का फायदा उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी वालों मोदी साहब के वालों एक स्कीम दी गई सी, जिहड़ी 70+ जिन्हें भी सीनियर सिटीजन ने उन्हां वास्ते आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, जिहदे विच 5 लाख का बीमा जिहड़ा हर वर्ग का, कोई भी वर्ग का बंदा होवे, अमीर होवे, गरीब होवे, वह सारयां दे वास्ते वह एलीजिबल है। इस करके इस नूं बनाउण वास्ते अज असीं अपने जग्गी राम भाजी दे घर सोडल रोड ते असीं कैंप लगाया है, जिहदे विच असीं काफ़ी कार्ड बनाए ने। और इस तो अगर असीं चाहते हैं कि जिहड़े भी बंदा इस नूं स्कीम नूं लैणा चाहुंदा है और साढ़े नाल संपर्क करे, या साढ़े किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नाल संपर्क करे। जरूरी नहीं है कि साढ़े तक ही अप्रोच कर नहीं कर पाता, BJP का, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता ना, छोटे तो वड्डे किसी कार्यकर्ता ना भी संपर्क करे, असीं उन्हां दा आके कार्ड उन्हां दे घर भी आके बना जावांगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री के रूप में डॉक्टर प्रशांत गौतम और मनमीत सोहल को पुनः सत्र 2024-25 के लिए निर्वाचित किया गया है। उक्त घोषणा प्रांत कार्यालय जालंधर में चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजन भंडारी द्वारा जारी बयान में की गई। दोनों का कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। आगामी 13 से 15 नवंबर 2024 को लुधियाना में आयोजित होने वाली अभाविप पंजाब प्रदेश के 56वें प्रांतीय अधिवेशन में वे पदभार ग्रहण करेंगे। गौरतलब रहे कि डॉक्टर प्रशांत गौतम चंडीगढ़ निवासी और पंजाब विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत हैं। तो वही मनमीत सोहल जालंधर से हैं और DAV कॉलेज से BSc तथा फार्मेसी में डिप्लोमा किया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट गदईपुर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गदईपुर मार्केट में भव्य छठ पूजन समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विच, पूर्व CPS KD भंडारी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन दिनेश ठल, अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज स्वामी सिकंदर, उद्योगपति नरेंद्र सग्गू, BJP देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, युवा भाजपा नेता आशीष सहगल और सेवादार अमन शर्मा ने शिरकत की। वही समारोह में ट्रस्ट के चेयरमैन BP गुप्ता, उप चेयरमैन राघव सिंह, प्रधान बलविंदर यादव, उप प्रधान बबलू शर्मा और कैशियर विनोद पटेल ने सभी प्रमुख अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि अभिषेक विच ने शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट के सदस्यों को आयोजन की सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मकता फैलती है और नौजवान पीढ़ी को धर्म व समाज के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। इस दौरान भक्तों की बड़ी संख्या घाटों पर उमड़ी, जिन्होंने सूर्य देवता को अर्घ देकर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर दिलीप पांडे, हरिंदर सिंह, सुनील कुमार, राम कुमार, जतिंदर सिंह भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पावन दिन है कि हमारे उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध जो छठ पूजा का त्यौहार है,
आज हमारी माताएं बहनें व्रत रखकर भगवान सूर्य की और छठी मैया की पूजा करेंगे और कल सुबह इसका समापन होगा। इस पर्व पर हमेशा की तरह दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी और उनके परिवार का आप सबके साथ जितना प्यार है, स्नेह है, वो तो देखने को ही मिलता है। क्योंकि कभी भी मैं एक दो बार मिस हो गया था, लेकिन कभी भी अभिषेक जी या बाबू जी खुद उन्होंने अपनी कभी भी गैर हाजिरी नहीं गवाई। और ये सभी आपके साथ जो प्यार है वो उसी कारण मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने त्यौहार हैं, सभी जितने भी धर्म हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, वो सभी एक हैं। तो हमारे त्यौहारों को मनाने का जो सिलसिला है वो हमारे पूर्वजों ने इसी हिसाब से चलाया है कि हम सभी मिलकर अपने त्यौहार मनाएं। लेकिन विडंबना ऐसी है कि कुछ ऐसे लोग भी आजकल हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति जो है उससे ऊपर है देवी देवता। जितने भी गुरु हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, वो राजनीति में नहीं आते। तो आपने कभी भी किसी का, आप जिस भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हैं उसको छोड़कर आप अपने जो समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने देश के साथ और अपने प्रांत के साथ जो आप उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं वो तभी निभाएंगे जब सभी आप इकट्ठे होकर अपने त्यौहार मनाएंगे। तो मैं शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से जितने भी मेहमान हैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनका अति धन्यवादी हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर दर्शन दिए, और विशेष रूप में अभिषेक जी का और हमारे बहुत बड़े भाई साहब अमरजीत सिंह अमरी जी। मैं इनके बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये दिल के इतने मेरे करीब हैं और मेरे ही नहीं पूरे संत समाज के, जलंधर के नहीं बल्कि पूरे पंजाब के संत समाज में जहाँ भी नाम अमरजीत सिंह अमरी जी का होगा तो वो आप सोच लो कि वहाँ पर इनका विशेष दर्जा है। और जितने भी हमारे जितने गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सब का परिचय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज हम सब इकट्ठे हुए हैं आपके जो खुशी का जो पर्व है उसको मनाने के लिए, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए। और हमेशा आप इसी प्रकार हंसी खुशी से अपने त्यौहार मनाएं और अपना और अपने परिवार के साथ जो हमारा आज का जो इतना माहौल अच्छा बना हुआ है उसको ऐसे बना के रखें। लेकिन एक जाते हुए मैं छोटी सी बात ये कहूँगा कि हमें अपने पर्यावरण को, नेचर को संभालना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए आज हमारी जितनी माताएं बहनें हैं वो खड़े होकर पानी के बीच में वो पूजन कर रहे हैं, लेकिन अगर इन नदियों को हम स्वच्छ रख लें, इनको साफ रख लें, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। अपने अपने घरों के पास जहाँ भी हो सके आपको नदी के आजू बाजू में सफाई करनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा अगर मेरी तरफ से कितना भी आपको सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। अगर यहाँ पर हो सके तो अच्छा सा घाट बना दो, हम गंगा भी जाते हैं, जमुना भी जाते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर गंगा और जमुना का जैसे घाट बन जाए और पहली जो अपनी तरफ से जो धनराशि जो भी आप लगाएंगे मैं उसमें आपको जरूर दूंगा। और मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी कोई आए तो यही हो कि यहाँ पर हम छठ पूजा करते हैं और छठ पूजा का त्यौहार मनाते हैं, हमारे माताएं बहनें यहाँ पर पूजन करती हैं। तो फिर कोई भी अगर अच्छा स्वच्छ होगा तो कोई भी यहाँ पर गंदगी नहीं फेंकेगा। जो ये महान पर्व मनाया जा रहा है
श्री छठ पूजा मौके पर और इस पूजा स्थल पे जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं, हमारी बहनें भाई, हमारे फोकल पॉइंट एसोसिएशन के प्रधान श्री नरेंद्र सिंह सग्गू जी पहुंचे हुए हैं, बीजेपी जलंधर देहाती के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी जी पहुंचे हुए हैं, ठुकराल जी पहुंचे हुए हैं, हैप्पी भाजी, राजू भाजी, ये सारे पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रस्ट है शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट, ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से, मैं देख रहा हूँ गुप्ता जी और उनकी सारी टीम, ये एक डेढ़ महीने से इस पर्व को मनाने की तैयारी कर रही है। पूरे घाट की सफाई की गई है, हर किसी को ये पर्सनली, हमारे जो चेयरमैन हैं ट्रस्ट के श्री वीपी गुप्ता जी, राघव सिंह जी जो प्रधान हैं, बलिंदर यादव जी, बबलू शर्मा जी, विनोद पटेल जी, ये पूरे जलंधर में इस पर्व को मनाने के लिए पूरा टाइम निकाल के सब जगह जाके उनको स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं कि आप इस पर्व में आइए, जो इस उत्तर भारत का बहुत महान पर्व है उसमें आके शामिल होइए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी इस पर्व में सच्ची श्रद्धा से, खाली ये नहीं कि मेला लगा हुआ देखने आता है, सच्ची श्रद्धा से आता है, हमारी बहनें तो बहुत लंबा उपवास रखती हैं, कुछ खाती भी नहीं है, और ये जो इस पर्व में श्रद्धा से आता है उसकी सब जो शुभकामनाएं वो संपूर्ण होती है। सबसे पहले तो मैं जो मेरी माताएं बहनें जिन्होंने आज व्रत रखा है, उस व्रत रखने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं पढ़ रहा था इस व्रत के बारे में कि ये व्रत कितना कठिन है और इतना कष्ट इसमें होता है और कितना लंबा चलता है। अपने परिवार के लिए इतना बलिदान हमारे देश की बहनें और माताएं दे सकती हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा उनको बहुत बहुत नमन भी है सिर झुका के कि इतना कष्ट वो झेलती है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरा सारा परिवार संगठित रहे। बहुत बहुत बधाई। मंच पर आए हमारे प्रधान जी तेजेंद्र सिंह भसीन जी, अमरी जी हमारे शहर के पिलर हैं, टकराल जी, और सबसे ज़्यादा जो गुप्ता जी को तो बहुत पुराने हम जानते हैं, और मेरे को याद है जब इन्होंने शुरू की थी 15-16 साल पहले, तब भी मैं शीतल जी के साथ यहाँ आया करता था। तो इनकी सारी टीम को, प्रधान जी, चेयरमैन और सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये एक परिवारों को जोड़ने का और देश को आगे बढ़ाने का काम है। इनको सबको, आपको भी सबको बहुत बहुत बधाई। शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट वालों, हर साल की तरह इस बार भी छठी मैया जी का उत्सव बड़े जोश से मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके चेयरमैन गुप्ता जी, वीपी गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूँ, जो एक टीम इकट्ठी करके हर साल अपने बहन भाइयों को इकट्ठा करके अपना उत्सव मनाते हैं। वो सबसे ज्यादा धन्यवादी अपने बड़े भाई फोकल पॉइंट एसोसिएशन के साथ नरेंद्र सिंह सग्गू का, जो हमेशा इनको सहयोग करते हैं। यहाँ सग्गू साहब इनको सहयोग करते हैं, उनसे छोटे भाई को कहूँगा मैं, सग्गू साहब के छोटे भाई बसीन साहब जो गुडेईपुर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो भी आप सबको बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। राघव सिंह जी, बलविंदर यादव जी, बबलू शर्मा जी, विनोद पटेल, ये 15-20 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ सग्गू साहब, मैं भी यहाँ पर आता हूँ, जहाँ पे एक दो बार इन्होंने नहीं हमें बुलाया, कोई मजबूरी होगी होगी, चलो कोई बात नहीं, हम फिर भी आने को तैयार हैं, क्योंकि गुप्ता जी मेरे छोटे भाइयों जैसा है। सग्गू साहब ने बोला ये त्यौहार नहाए धोए खाए पिए ऐसे शुरू होता था। आज मेरी बहना, मेरी मकामा, मेरी बच्चियां जो इस वक्त को रखती हैं अपने परिवार की मंगल कामना के लिए, खास करके वो माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया,
वो हमेशा ही माँ सुख मंगाती है। एक माँ की ममता ही होती है जो बच्चों का हमेशा सुख मंगाती। शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट ये चेयरमैन वीपी गुप्ता जी, आदरणीय प्रधान मनजिंदर जी, बबलू जी, अली जी, रमेश मिश्रा जी और बहुत ही सत्कारयोग सारे मेंबर साहबान, मेरिया मातावान, मेरिया भैन और प्यारे नौजवान साथियों, आज पूरे संसार के विच मां छठी पर्व बहुत ही श्रद्धा और भाव के नाल मनाया जा रहा है और उस कड़ी के विच साडे इस ट्रस्ट ने अज उदयपुर के विच विशाल गाठ लगा के इतने सारिया भैन मातावान साडिया बेटिया अज पानी खड़े होके सूर्य भगवान नू अर्घ दिता, आराधना की और सारे की मंगल कामना की पूरे विश्व वास्ते, पूरे हिंदुस्तान वास्ते और पूरे पंजाब वास्ते सुख शांति की मांग की है। और मैं इस तरह के सारे मैंबरान नू बहुत ही बधाई दूंगा जड़े हर साल बहुत ही श्रद्धा और भाव के नाल ये मंच लगा के इत्थे भगती का संगीत भी हुंदा वै और सारिया भैनां नूं कार्ड ते बुला के पूजा विधिवत हुंदी है उहदे लई ये सारी टीम बधाई दी पात्र है। और गुप्ता जी, बबलू जी, बलजिंदर जी, इन्हां दी सारी टीम इस इलाके दे विच बहुत ही लगन और भाव दे नाल कोई भी समाजिक काम होवे, कोई भी धार्मिक काम होवे, साडी टीम अगह बढ़ के हरेक परिवार की सेवा करती है। करोना काल के भी इन्होंने बहुत बड़ी सेवा निभाई। उस तो बाद होर भी कोई धार्मिक समागम होंगे है, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सारे साडी टीम बच्चों ना लैके बहुत ही वधिया कार्यक्रम करती है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में पूर्वांचल के सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व सूर्य उपासना के छठ को लेकर सैकड़ों की संख्या में भक्त जुटे। मंदिर में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी ने हर प्रकार की सुविधा देने के लिए पूरे प्रबंध किए हुए थे। दोपहर 3 बजे से ही नंगे पांव और जमीन पर लेटकर आने वाले भक्तों ने अपनी आस्था को प्रकट करते हुए मंदिर के खुले मैदान में बनाए गए घाट में सूर्य देवता के अस्त होते ही पहला अर्घ दिया। तो वहीं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा बनाई गई विशेष सरोवर घाट भी खड़ी होकर व्रतधारियों ने प्रत्यक्ष भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना करते हुए सुख शांति समृद्धि तथा मनोवांछित फल की कामना करते हुए विधि अनुसार पूजा अर्चना कर प्रज्वलित हुए शुद्ध देसी घी के दीपक के साथ सूर्य नारायण भगवान की आरती उतारी। सूर्यदेव को अर्घ देने के पश्चात व्रती स्त्रियों ने विशेष अनुष्ठान के तहत कोसी भरना कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रद्धालुओं को मेडिकल की सुविधा देने के लिए मंदिर कमेटी ने श्री देवी तालाब मंदिर चैरिटेबल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम को तैनात रखा था। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पवन मेहता, राजू शर्मा, अरुण वर्मा ने सभी व्रतधारियों तथा इस पूजन में शामिल होने वाले लोगों को बधाई दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज का दिन छठ माई का व्रत हम लोग इसलिए रखते हैं कि हमारे सब परिवार शांति से सुखी से सारे रखे। ये शाम के ये ढलते हुए सूर्य और चढ़ते हुए सूर्य का ही अर्घ होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये कितने घंटे के लिए रहता है? ये 24 घंटे के लिए। 24 घंटे। इसमें क्या उपवास में क्या खाया जाता है, क्या नहीं? कुछ नहीं खाया जाएगा, दो दिन सुबह खाएंगे। जालंधर की ऐतिहासिक श्री विंदा देवी मंदिर में 7 दिन तक चलने वाले तुलसी एवं आंवला पूजन महोत्सव का विधिवत पूजा अर्चना, हवन यज्ञ और झंडा रसम अदा कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबा हेनरी और श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच विशेष रूप से उपस्थित हुए। तो वहीं उन्होंने
हवन यज्ञ में हुतियां डाली और बाद में झंडा रस्म अदा की। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक समिति के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे, जिनमें प्रधान बलराम कपूर, सभापति हरिपाल सौंदी, महासचिव राजेंद्र राजा, ट्रस्टी शीतल विजय, परामर्शदाता परीक्षित वधवा, संयुक्त सचिव कोषाध्यक्ष महेश कालिया, वरिष्ठ उप प्रधान गुलशन शर्मा, उप प्रधान जीवन शर्मा, सह कोषाध्यक्ष ललित मित्तल, एडवोकेट मनिंदर सचदेवा, मेला इंचार्ज प्रिंस सौंदी और अन्य प्रमुख सदस्य भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जय माता दी, जय गंगा देवी माता जी। आज महामाई की कृपा के नाल गंगा देवी जी का जिहड़ा हर सलाना शुरू होंदा है, आज तो शुरू हो गया। सवेरे पहले हवन किया गया, सारे सेवादार मैंबर साहबान ने मिल के पूर्णोती पाई है। आदरणीय साढ़े विधायक बाबा जी ने शुरू तो लैके पूर्णोती तक नाल रहे हवन के बिच, बहुत अच्छा माहौल सी। सारे पासे माता राणी की दया है। उस तो बाद झंडा सारा बनी जिदा वार्षिक हुंदी ओह कीती गई। एक झंडा तां लहराया जांदा इत्थे बजरंग बली जी दा वास हुंदा, उन्हां दी कृपा नाल ही साढ़े सारे धार्मिक कार्य चलते हैं। उस तो बाद सुतंत्र जी के परिवार ने बहुत ही अजीज सुतंत्र जी उन्होंने ब्रदर जो बहरों आए उन्होंने भाभी सारे परिवार ने लंगर की सेवा की है। मैं अपने वालों श्री देवी दलाल मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल जी और सारे मैंबर और सेवादारा वालों इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता, जिन्होंने प्राचीन मंदिर में एक आलीशान मंदिर बनाता है। इतिहासिक मंदिर है, साढ़े सारे ग्रंथा च इस मंदिर से लिखा हुआ है। सो 15 तरीक का मेला चलना, 12 तरीक को तुलसी विवाह, सारे शहर वासियों की ड्यूटी भी बनती है कि परिवार समेत आके मत्था जरूर टेको, मन दी मुरादां पूरियां होणगियां। जय माता दी, जय माता। माँ अन्नपूर्णा जी की अपार कृपा से एकादशी के दिन माँ अन्नपूर्णा मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से तुलसी विवाह का भव्य आयोजन अन्नपूर्णा मंदिर फोर्ट किशन चंद जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत मंत्रोच्चारण कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में हुतियां डलवाकर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस अवसर पर अनिल ज्योति सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। इस सप्ताह के विच कीता गया हवन यज्ञ पूजन जो है पूरे एक साल का फल दिंदा है। हर साल की तरह अन्नपूर्णा मंदिर के विच 8 तरीक तो लैके 15 तरीक तक आंवला पूजन मेले का आयोजन किया गया है। मंदिर कमेटी वालों हर तरह के पूरे प्रबंध किए गए ने। दूर दूर तो लोग इतने आके हजारों की लखा की संख्या जाके हर साल मत्था टेकते हैं। तो असी महामाई के चरणों अरदास करते हैं, बेनती करते हैं कि माँ जो भी तेरे दरबार से आए उसकी मन्नत पूरी होवे। जय मां अन्नपूर्णा। इसी तरह इस साल भी माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में आंवला पूजन का मेला बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो रहा। अज मंदिर कमेटी के सारे सदस्य और श्रद्धालु मिल के माँ अन्नपूर्णा के मेले वास्ते हवन कर रहे हैं। अज तो बाद मेला शुरू है, 15 तरीक तक चलेगा, 12 तरीक नूं तुलसी विवाह है। सारे दूर दूर तो जिहड़े आते हैं उन्होंने पता लग जाए, इस करके इस राही तुहानूं सुनिया है कि माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में आके आशीर्वाद लो। इतने जो भी लोग आते हैं 40 दिन जोतां जगा के मनोकामना उन्हां पूरियां होंदियां, इट्टां दियां कोठियां बनाते हैं, उन्होंने कोठी बन जाती है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये शक्ति पीठ है। ये जिस तरह भविष्य उत्तर पुराण के वर्णन है, बावड़ी के सामने माता अन्नपूर्णा विराजमान है। वो माँ अन्नपूर्णा बहुत ही इतने शिवजी को उन्होंने भिक्षा दी सी इसी स्थान पर। यह बड़ा सिद्ध स्थान है, सारियां नूं इह दस्या जांदा है कि इस सिद्ध स्थान ते आके अपनी मनोकामना पूरी करन। जय मां प्रसिद्ध भजन गायक लवि शिव अमृतसर वालों ने माँ भक्ति का गुणगान कर भक्तों को छूने पर विवश कर दिया। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री रवि दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विच नीरा विच रुचि विच ने परिवार सिंह के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर माँ के समक्ष
नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस भजन संध्या में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तारा मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री रविच ने श्री देवी तारा मंदिर के रविंद्र बहल को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विनोद गुप्ता, राकेश गुप्ता, नरेश सहगल, रमन शर्मा, अशोक भंडारी, पुलकित भंडारी, इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन से अमित सहगल और जतेंद्र सहगल, राकेश सहगल, अजय गांधी, यशडा, रवि शर्मा, अर्जुन मोत्रा, सुदेश शर्मा, संदीप थापर, अंकित थापर, नीरज मित्र, रॉकी बहारी, शिवतंत्र शर्मा, अश्विनी पांडा, अमृत अरोड़ा, अश्विनी कपूर, विपन अग्रवाल, नरेश सेठी सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारी का आयोजन भी किया गया। ज्यादातर से बच्चों के लिए कैमरा में सुदेश भगत और संदीप शर्मा की थी। उठा के तालियों के साथ सभी गाइए एक बार मेरे साथ। बारे बारे जामा मेहता, बारे बारे डेरा जन्म जन्मा तो मैं पिया उड़ीका कदे पा बच्चिया वल फेरा ओ पहला शेरा वाली माई नू मनाइए पहला शेरा वाली माई नू मनाइए जदों भी कोई कम
ਖਬਰ ਤੇ
ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਜਦ ਬੈਂਡ ਬਹਾਰਾ ਨਟ ਬੈਂਡ ਬਹਾਰਾ ਪੰਛੀ ਮਸਤਾਨੇ ਪਏ ਗਾਣ ਤਰਾਨੇ ਇਹ ਮੋਰ ਚਮੋਰੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਰਲਗੰਜ ਕਾ ਆਵਣ ਸੰਗ ਭੇਟਾ ਗਾਵਣ ਰਲ ਮਿਲ ਭਵਨੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਭਗਤ ਦਾ ਵਾਰੇ ਆਏ ਬਨ ਬਨ ਢੋਲੀਆਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੀਏ ਲੈਣ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੀਏ ਲੈਣ ਮਾਂ ਚਿਤਪੁਰ ਐਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੀਏ ਪੂਰਨੀ ਤਾਲੀਆਂ ਬੁਲਾਈਏ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਖੀ ਪਰਵਾਈ ਅੱਗੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਈ ਕਈ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਥੀ ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਸੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਭਵਨ ਰੰਗੀਲਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਸਜਦੀ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਰਾਤ ਚੋਲੀ ਭਰਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੋ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਲੀ ਦੁਖੜੇ ਨਾ ਸਹਿਣ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰ ਐਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗਦੀ ਏ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰ ਐਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗਦੀ ਏ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰ ਐਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗਦੀ ਏ ਭੈਣ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰ ਇਹ ਬਰਮਾਈ ਕੇ ਲਈ ਸਭੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰ ਨੀ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰ ਨੀ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰ ਨੀ ਨੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਨੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਸਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈ ਸਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਬਸੇਰਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਚੱਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਛਮ ਛਮ ਅੱਖੀਆਂ ਬਰਸਣ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ
ਮੈਂ ਕਦਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸਣ ਕਦਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸਣ ਨਾ ਜਾਣ ਜੁਦਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਚਲੋ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਜਕਾਂ ਖੇਲਣ ਕੱਲੀਆਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰ ਛਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਆਣ ਤਲੀ ਜਾ ਮੱਲੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਤਾਲੀ ਅਗਰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਔਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਬੋਲੋ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਜੀਏ ਸਬਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਲੀਜੀਏ ਉਠਾਈਏ ਦੋਨੋ ਹਾਥ ਔਰ ਮਾਂ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜਰਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਸੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਦਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਮੁਝ ਕੋ ਉਤਨੀ ਤੋ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਯੇ ਕਰਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਾ ਵਰਨਾ ਮੁਝ ਮੇ ਤੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ
इस दरबार में सब कुछ मिला है, अगर मिला है तो दोनों हाथ ऊपर करके माता रानी के लिए तालियां, धन्यवाद करो, शुक्राना करो, दोनों हाथ उठा के। नजारे लगे हुए, नजारे लगे हुए, मैया तेरी चुन्नी चुन्नी सितारे लगे हुए ने। सानू दिता दा
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਔਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਨਭ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਨਭ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਨਭ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ थोड़ा थोड़ा नचना जरूर चाहिदा अज लग गया मेला के नच के मना लो सारे ओदे आन दा वेला और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर में एक नौजवान ने अपनी पत्नी का किया कत्ल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने मेले में सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 पिस्तौल सहित कई लाइसेंसी हथियार किए जब्त। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने थाना डिवीजन नंबर 5 के क्षेत्र में एक सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम का किया आयोजन। लोगों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए किया प्रेरित। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।